आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप WhatsApp के थ्रू किसी को पेमेंट कैसे भेज सकते हैं। WhatsApp के थ्रू किसी को पेमेंट भेजने से पहले आपको जो है WhatsApp में अकाउंट नंबर को ऐड करना होता है, उसके बाद ही आप किसी को पेमेंट भेज सकते हैं या फिर किसी से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अपने WhatsApp में अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए आपको जो है एक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसमें ऐड करेंगे अकाउंट को तो उसमें OTP जाएगा, OTP वेरीफाई होगा, आपका नंबर जो है वेरीफाई होगा, तभी जो है इसमें अकाउंट नंबर ऐड होगा। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं इसमें और किस तरीके से आप पेमेंट इसके थ्रू जो है किसी को भेज सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहेगा ताकि आप ये जान सकें कि कैसे आप WhatsApp के थ्रू पेमेंट को भेज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। WhatsApp के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपके पास जो है WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में जो है पेमेंट का ऑप्शन दिखता है। आप यहाँ प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं WhatsApp का जो लेटेस्ट वर्जन है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है आपका जो चैटिंग लिस्ट है आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चैटिंग लिस्ट में यहाँ जो पेमेंट का आइकॉन है यहाँ पर दिख रहा है, शो कर रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका अकाउंट नंबर नहीं ऐड होगा। तो अकाउंट नंबर को ऐड करने का मैं यहाँ प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद ही आपको जो है पेमेंट करके दिखाऊंगा। अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ 3 डॉट में क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड पेमेंट मेथड दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी बैंक का अकाउंट नंबर आपका है यहाँ पे आप चूज कर लेंगे उस बैंक को। जैसे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट जो है ऐड हो गया है। अकाउंट ऐड होने के बाद जिस भी कॉन्टेक्ट आप जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है या फिर चैटिंग लिस्ट में है उसे अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसका भी जो है इसमें अकाउंट नंबर ऐड होना ज़रूरी है, तभी जो है आप उसको पेमेंट भेज सकते हैं WhatsApp के थ्रू। तो सबसे पहले अगर आप आपका जो फ्रेंड या फिर जो भी है उसे कहिए कि वो जो है अकाउंट नंबर इस पर ऐड कर ले, तभी जो है आप उसको भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेरे दूसरे अकाउंट पे यहाँ पे करके दिखाऊंगा भेज के, उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड करूँगा अकाउंट, उसमें भी अकाउंट को ऐड करूँगा, उसके बाद उसमें सेंड करके दिखाऊँगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ मेरा जो दूसरा अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है क्योंकि वो मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी यहाँ पे अभी नहीं है, सेव नहीं है नंबर, और उसमें जो है अकाउंट नंबर भी ऐड नहीं है। तो मैं उसमें पहले अकाउंट नंबर को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसमें पेमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ और उसमें भी जो है अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पर मैं अकाउंट को जो है यहाँ पे कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करके दिखाऊँगा। देखिए ये मेरा दूसरा नंबर है जिसमें मेरा दूसरा अकाउंट जो है रजिस्टर है, तो मैं यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके ऐड कर लूँगा। उसी प्रोसेस से आप ऐड करवा लेंगे। अगर कोई फ्रेंड आपका नहीं जानता है तो आप उसको बताएँगे कि इस तरीके से आप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अकाउंट को ऐड कर लेंगे जो भी आपके फ्रेंड या रिलेटिव जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो जब अकाउंट नंबर को ऐड कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैं वेरीफाई करके इसे ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। देखिए इस तरीके से पहले वेरीफाई होता है, तो एक आपके अकाउंट पे जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, तभी जो है आप अपने अकाउंट को इसमें ऐड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर इसमें भी ऐड हो गया है। अब मैं पेमेंट करके इसमें दिखाता हूँ लीव की कैसे आप पेमेंट करेंगे और आपके पास जो है किस तरह से शो होगा पेमेंट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, अब देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ दूसरे जो मेरा पहला WhatsApp है। देखिए ये मेरा दूसरा नंबर है, इस पर मैं अभी पेमेंट में क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। पेमेंट डालने के बाद यहाँ पे आप नोट्स भी कुछ डाल सकते हैं, जिस तरीके से आप फ़ोनपे या गूगल पे में डालते हैं उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको जो है UPI कोड वगैरह मांगेगा, यहाँ पे आप उसे डाल देंगे। मैं ये जो है प्राइवेट सेक्शन है इसीलिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे UPI ID डाल दिया और ये पेमेंट चला गया।
तो इस तरीके से जो है आप WhatsApp में पेमेंट भेज सकते हैं। अब मैं दूसरे नंबर पे मेरे दूसरे WhatsApp में जाके दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे रिसीव हो गया। देखिए अब यहाँ पे डिडक्ट हो गया, देखिए यहाँ क्रेडिट का भी यहाँ पे मैसेज आ गया मेरे मोबाइल पे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्लिक करके, देखिए यहाँ पे मैसेज में मैंने यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ क्रेडिटेड, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं अब दूसरे व्हाट्सएप में देखिए, दूसरे व्हाट्सएप में देखिए यहाँ पर मेरा 10 रुपीज़ शो कर रहा है, पेमेंट शुड नाउ बी इन योर बैंक अकाउंट, देखिए 10 रुपीज़ यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप किसी को भी इसके थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं और पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं। आपको जो है दूसरे ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू ही ये काम हो जाएगा। इसमें एक ही दिक्कत अभी अपडेट नहीं आया है कि आप किसी का जो QR कोड होता है उसे स्कैन करके नहीं भेज पाएंगे, वो ऑप्शन अभी नहीं दिया हुआ है इसमें। बाकी सारा जो है फीचर्स इसमें दिया गया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो QR कोड है वो केवल आपका ही QR कोड है, यहाँ पे स्कैन करने का QR कोड स्कैन करने का जो है कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे पेमेंट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो QR कोड का एक आइकन दिख रहा होगा आपको, देखिए ये मेरा QR कोड जो है ओपन हो गया। इसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और अपने पेमेंट को यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर प्रिंट करके अपने शॉप वगैरह जहाँ पे भी आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ पे इसे डाल सकते हैं और डायरेक्टली जो है अपने अकाउंट में जो है मनी को रिसीव कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम इसमें एक है अभी ये। मैं चाहता हूँ, आई होप कि ये व्हाट्सअप जो है नया अपडेट लेके आएगा और जो ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप किसी को भी QR कोड के थ्रू जो है स्कैन करके आप किसी को भी पेमेंट भेज पाएंगे। तो ये वीडियो जो है इसी रिलेटेड था कि कैसे आप व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको दूसरे ऐप जो है अपने डिवाइस पे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड को शेयर कीजिए।